होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय वैज्ञानिक थे। भारत के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के वे जनक माने जाते थे। उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में एक था। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। जातीय स्तर से वे एक संपन्न पारसी परिवार से थे। उनके पिता का नाम जेएच बाबा और माता का नाम मेहरबाई था। उनके पिता एक जाने माने वकील थे और टाटा कंपनी के सलाहकार भी थे। उनकी जो माताजी थी वो एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी जो बचपन था, कहा जाता है कि उनके परिवार में एक पुस्तकालय बना हुआ था। उसके घर में पुस्तकालय था जहाँ पे वो मैथ, साइंस इस तरह की बुक्स रखी रहती थी और वहीं पर वो अध्ययन किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में होमी जहांगीर भाभा जी को नींद नहीं आती थी। नींद ना आने का वजह उनको कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनको सूरज, चांद, तारे और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी हासिल करने की तीव्र इच्छा थी, जिसके वजह से उनको नींद नहीं आती थी। वो 15 साल की उम्र में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया था। वे उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कैथल रेड्स स्कूल से हुई, फिर आगे उनकी शिक्षा जो है वो जॉन कैनन स्कूल से हुई। वो इतने होनहार वो इतना होनहार और तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि लोग उनके संपर्क में आने से जब आते थे तो काफ़ी प्रभावित होते थे। फिर उनकी आगे की शिक्षा एल्फिस्टन कॉलेज से हुई और रॉयल्स कॉलेज ऑफ साइंस से उन्होंने बीएससी कंप्लीट किया। 1927 में वे इंग्लैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल किया वो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर 1930 में उन्होंने ये डिग्री हासिल कर ली थी और 1934 में वे उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई।